नीलगाय को लेकर चर्चा की गई थी। हमारे साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार जी मौजूद है। आज सदन में नीलगाय की नसबंदी को लेकर चर्चा भी की गई। बिल्कुल, नीलगाय एक बड़ा समस्या हो गया है राज्य भर में। इसका स्थायी समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, इसका स्थायी समाधान करेंगे। वैसे तो इसे मारने का भी राइट दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको मारना नहीं चाहते हैं। इसको ट्रेंकुलाइज करके पकड़ के हम लोग इसको जंगल में शिफ्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि उसका नसबंदी भी कर दिया जाए, ताकि उसका प्रजनन कम हो सके, कम से कम संख्या में रहे और जंगल में रहेंगे। प्रॉब्लम निश्चित रूप से सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके साथ जो बंदर का समस्या है, तो बंदर को भी हम लोग पकड़ करके रानीगंज में शिफ्ट करेंगे। वहां पर मंकी हाउस बना रहे हैं, बंदर बगीचा जो 10-12 एकड़ में हम लोग घेराबंदी करके रखेंगे, और बंदरों के खाने के लिए उसके अंदर पेड़ पौधा भी लगाएंगे, फलदार पेड़ लगाएंगे। जू की व्यवस्था भी, दूसरा जू रानीगंज में स्थापित हो रहा है। रानीगंज में बहुत बड़ा 400 एकड़ में जगह हम लोग को मिला हुआ है, जो बिहार का दूसरा बड़ा जू होगा और वो भी पूरा प्रसिद्ध जू होगा। और जानवरों की यहाँ पे व्यवस्था करने की बात, डेनमार्क से हम लोग नए जानवर भी मंगा रहे हैं। जो राइनो है, जो डबल सिंग वाला, जिसका ऊपर नीचे सिंग होता है, वो मंगा रहे हैं। अनाकोंडा मंगा रहे हैं और कई जानवर डेनमार्क से आ रहा है। अभी कोरोना को लेकर के रुका हुआ, कोरोना का काम खत्म होगा तो फिर वो जानवर बाहर से आएंगे। और ये जो पेड़ पौधे जो बांटने की बात की गई थी, इसमें देखिए सेंसेबेरिया का पौधा है। बजट सत्र में क्या होता है कि हर लोग कुछ ना कुछ फाइल देते हैं, बैग देते हैं, कुछ और देते हैं, तो हमने तय किया कि जो पर्यावरण डिपार्टमेंट की तरफ से पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सेंसेबेरिया का पौधा दिया जाए। ये इंडोर प्लांट है, अगर इसको घर में रखते हैं तो ये हवा को शुद्ध करने का काम करता है। जो एक एयर प्यूरिफायर मशीन होता है, कहीं न कहीं चार अगर पौधा लगा देंगे तो एक मशीन के बराबर में ये काम करेगा। जो मशीन 15,000 से लेकर के 50,000 रुपये में हम लोग खरीद करके लाते हैं, तो उसका काम करेगा। दूसरा, इसको मिट्टी के गमले में बनाए हैं, लाए हैं, ताकि मिट्टी के गमले को भी कहीं कहीं एक रोज़गार मिलेगा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को। और जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत ये काम होगा। और मधुबनी पेंटिंग भी इसके ऊपर हम लोग कराए हैं, तो मधुबनी पेंटिंग को भी प्रमोट करने के लिए ये सारा काम किया गया। तो साफ तौर पर ये मंत्री नीरज कुमार बबलू जी थे, जिनका कहना है कि मधुबनी पेंटिंग भी कराई गई है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को रोजगार भी मिले। सहयोगी बाबर के साथ नीरज कुमार, फर्स्ट बिहार, झारखंड, पटना।